नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने समझा है डीएफए क्या होता है, कौन से 5 टपल्स हैं जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को स्पेसिफाई करने के काम आते हैं। बट दोस्तों, लॉजिक क्या है कि हमें डीएफए को एक्चुअली डेप्थ में समझना है, और अभी तक हमने बात की सिर्फ फॉर्मल डेफिनेशन की। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम डीएफए बने हुए होते हैं और हमको स्टडी करके बता रहा होता है कि वो क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज को और अच्छे समझने के लिए दोस्तों हमें DFA डिजाइनिंग करना चाहिए। तो जब तक कुछ DFAs हम बनाएंगे नहीं, है ना, तब तक हमें एक्चुअली नहीं समझ आएगी उसकी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। और मजे की बात क्या है, अगर हम DFA बनाना सीख जाएंगे तो बने हुए DFA को रीड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, रेगुलर लैंग्वेजेस की अगर डेप्थ में जाना और DFA का अगर एक्चुअल लॉजिक, उसका मर्म हमें समझना है, तो बहुत सारे DFA हम डिजाइन करते हैं, ये एक मजेदार काम है। और गेट में आप मान के चलिएगा 1 to 2 क्वेश्चंस जो है वो इस पैटर्न पे पूछने वाले हैं। जैसे बहुत बार पूछता है कि वो एक DFA है जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, बताइए उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, है ना। तो उसके लिए भी आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, या DFA बना हुआ है उसकी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए भी आपको DFA डिजाइनिंग या DFA की एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं DFA डिजाइनिंग से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वीडियो बाय वीडियो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चलते हैं। चलिए पहले देखते हैं अभी यहाँ क्या क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। डिजाइन ए मिनिमल DFA ओवर इनपुट अल्फाबेट A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विद अ सब स्ट्रिंग W। पहले इसको समझते हैं। देखिए, डिजाइन अ मिनिमल DFA, वैसे देखिए हम बात कर रहे हैं DFA डिजाइनिंग की, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है मिनिमल DFA। इस बात का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी DFA दोस्तों हम बनाएंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो मिनिमल होंगे, मतलब उससे कम। अगर मान लीजिए अगर हमने 5 स्टेट्स में बनाया तो कोई और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए 4 स्टेट्स में नहीं बना सकता, है ना। तो हमारे जो मशीन्स होंगे वो ऑलरेडी मिनिमल होंगे। वैसे आप समझिएगा मिनिमाइजेशन ऑफ ए DFA एक सेपरेट टॉपिक है, तो बाद में इस पर भी हम बात करेंगे कि अगर कोई DFA है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो मिनिमल है कि नहीं, है ना, और कैसे किसी DFA को मिनिमल DFA में कन्वर्ट करें। देखिए, वैसे लॉजिकली 2 स्टेप होने चाहिए, पहले आप मशीन बनाना सीखें फिर उसको मिनिमाइज करना सीखें, लेकिन यहां पर हम ऑलरेडी जो मशीन बनाएंगे दोस्तों सब के सब मिनिमल स्टेट में पहले से होने वाली है, है ना। तो अब देखिए, इनपुट अल्फाबेट है A, B, यानी कि सिर्फ 2 ही सिंबल्स में हम काम करेंगे AB पर। देखिए कंडीशन क्या है, बहुत सारे पैटर्न है, तो मैंने सिंपल पैटर्न से स्टार्ट किया। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी उसके स्टार्टिंग में, मतलब इन रफली मैं लिख सकता हूं, देयर इज अ स्ट्रिंग लेट मी से अ सब स्ट्रिंग W फॉलोड बाय X। तो जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी दोस्तों उसके स्टार्टिंग में W होना चाहिए। उसके लिए मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, तो मान लीजिए एक नहीं यहां पर 3 क्वेश्चंस हो गए। अब पहले केस में देखते हैं इसका मतलब, देखिए क्या होगा कि जो भी मशीन हम बना रहे हैं वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जिसके स्टार्टिंग में है सब स्ट्रिंग W, है ना। और मान लीजिए फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं कि W स्टैंड्स फॉर व्हाट, A। तो अब देखिए आइडिया क्या हुआ, अगर किसी भी मशीन को, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, अगर किसी भी मशीन का आपको प्रॉपर डिजाइनिंग सीखना है ना, ये सिंपल मशीन है, बाद में मशीन मुश्किल भी बनेंगी, हम PDA की बात करेंगे, हम ट्यूरिंग मशीन की बात करेंगे, लेकिन हमेशा एक आइडिया समझिएगा, सबसे पहले सबसे छोटे स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर एक साथ आपने बड़ी स्ट्रिंग एग्ज्यूम कर ली तो प्रॉब्लम होगा। तो आइडिया क्या है, अब इस पैटर्न के हिसाब से अल्फाबेट है A, B पर स्टार्टिंग में आना चाहिए W, और पहले केस में W की वैल्यू दी हमें A। तो कंक्लूजन मेरे ख्याल से निकला कि वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हों जिसके स्टार्टिंग में A आ रहा है। तो बताइए A से स्टार्ट होने वाली सबसे छोटी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी, आई थिंक दोस्तों सिंगल A, है ना। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मशीन बनाने के लिए पहले लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जैक्टली लैंग्वेज कुछ लोगों को हो सकता है समझ आए, कुछ को नहीं आए, तो पहले मैं कुछ स्ट्रिंग्स लिख रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो लैंग्वेज है क्या, फिर डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग दोस्तों मुझे मिला A। अब उसके अलावा वो कौन से स्ट्रिंग होते जो A से स्टार्ट हो सकती है, तो इसका मतलब देखिए A के बाद क्या आ सकता है, A के बाद AB आ सकता है, A के बाद B आ सकता है, उसका देखिए A के बाद AA या फिर AB या फिर BA एंड सो एंड सो फॉर अप टिल इंफिनिटी। तो पहले समझना पड़ेगा दोस्तों लैंग्वेज फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, लैंग्वेज इनफाइनाइट है और हमें वो लैंग्वेज बनानी है जहाँ पे पहला सिंबल जो है हमेशा A होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ बेसिक फंडामेंटल हमें पता है। सबसे पहले मान लीजिए इनिशियल स्टेट हम ले लेते हैं जिसको बोलते हैं Q0,
और ये जो इनपुट एज है दोस्तों, ये हमको बताती है कि इनिशियल स्टेट है। अब देखिए पहला सिंबल आया ए, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ डिजाइनिंग में, सबसे पहले मैं सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा। भाई ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, अगर आप डायरेक्ट कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग लोगे ना, यू विल गेट कन्फ्यूज। तो हमेशा क्या करना है, पहले मशीन से आखिरी मशीन तक सबसे पहले जो सबसे छोटा स्ट्रिंग हो उसको एक्सेप्ट कराते हैं और फिर धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, है ना। तो अब देखिए सबसे छोटा स्ट्रिंग दोस्तों स्मॉल होने वाला है, तो मैं क्यू नॉट पे जैसे ही आता है ए, स्टेट चेंज करता हूँ, पहुंचता हूँ क्यू वन पे। अब देखो कुछ बात समझिएगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से कंसेप्ट समझना है। क्यू नॉट पर जो स्मॉल ए आया तो मैंने देखिए स्टेट चेंज किया, सवाल ये कि मैंने स्टेट चेंज क्यों किया। देखिए यहाँ पर स्टेट चेंज करना एक तरह का मेमोरी कंसेप्ट है। यहाँ पर इनिशियल स्टेट देखिए कौन है, क्यू नॉट, इसका मतलब इस सिस्टम में हम सिर्फ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू नॉट से। अब अगर मैं क्यू वन पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हम क्यू वन पे हैं और स्टार्टिंग सिर्फ क्यू नॉट से की जा सकती है और क्यू नॉट से क्यू वन के रास्ते पर क्या लिखा हुआ है ए, इसका मतलब ए मैं रीड कर चुका हूँ। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, किसी भी सिंबल को रिमेम्बर करने का क्या तरीका है, हम स्टेट चेंज कर लेते हैं और जैसे स्टेट चेंज करते हैं हम याद रखते हैं कि इस स्टेट से स्टेट पे आने के लिए क्या चाहिए था, ए, इसका मतलब ए आ चुका है। जैसे आप ध्यान करिए लूडो का कंसेप्ट है, अब लूडो पर जो भी आपका स्कोर आ रहा है आप कैसे याद रखेंगे स्कोर क्या आया था, तो हमारे पास हमारी गोटी जिसको बोलते हैं उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं, तो उसकी जो रिलेटिव पोजिशन है उस सिस्टम में वो बता रहा होता है कि हमारे जो स्कोर है वो क्या था, चाहे सांप सीढ़ी है चाहे लूडो, मेरे ख्याल से फिगर आउट कर पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो वही कुछ कंसेप्ट है। तो जैसे आया स्मॉल ए मैंने किया दोस्तों स्टेट चेंज, और क्या स्मॉल ए एक्सेप्टेबल है, अगर खाली स्मॉल ए आए तो एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए क्यू वन को दोस्तों बना दिया हमने फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट किसको बोलते हैं, जहां पर अगेन आप जानते हैं डबल सर्किल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहले स्ट्रिंग के साथ हमने अपना काम कर लिया, तो धीरे धीरे करके देखो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे सोचिएगा, अगर ए के बाद ए या ए के बाद बी आए तो क्या करूं। अब देखिए लॉजिक क्या है, कंडीशन क्या है कि पहला सिंबल क्या होना चाहिए, ए। मुझे तो लगता है कि उसके बाद, जैसा हमें समझ आ रहा है, उसके बाद कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंडीशन था कि भैया ए से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखिए जब स्टेट हम कब चेंज करते हैं, जब हमें कोई चीज याद करनी हो। यहां पर ध्यान रखना था कि ए आया कि नहीं आया, अब ए के बाद क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आए कुछ नहीं आए। तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां लगा लेता हूं सेल्फ लूप, किसके लिए, ए कॉमा बी के लिए। तो इस बात को समझिएगा, पहला सिंबल आया ए, मैं पहुंचा क्यू वन फाइनल स्टेट पे, उसके बाद चाहे ए आई चाहे बी आई मैं सेल्फ लूप करता रहूंगा और ये सारे के सारे दोस्तों एक्सेप्ट होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उसको हमने टेक केयर कर लिया है। बट क्या मशीन कंप्लीट है, नहीं। देखिए डीएफए जो है वो एक कंप्लीट सिस्टम होता है, डीएफए बनने के लिए हर स्ट्रिंग पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, इस बात को समझेंगे। मतलब चाहे एक्सेप्ट हो चाहे एक्सेप्ट ना हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर स्ट्रिंग पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पर अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर बी से स्टार्ट हो तो क्या हो, तो देखिए उस पर भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बी पे स्टार्ट हो रहा है तो उस पर आप ट्रांजिशन ही नहीं लिख रहे हैं, चाहे एक्सेप्ट हो चाहे नहीं हो। अब एक आइडिया समझिएगा, देखो अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट है, इस बात को समझिएगा, तो क्या उसके एक्सेप्ट होने के कोई चांस है। देखिए कंडीशन थी कि स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों, ए से, और अगर कंडीशन आपने वॉयलेट करके स्ट्रिंग बी से स्टार्ट कर दी, अब उसके बाद 1000 बार ए आए, अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो देखिए यहां पर एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डेड स्टेट। तो मान लीजिए एक स्टेट यहाँ बना ले, इसको बोलते हैं क्यू टू। अब यहाँ पर देखिए क्यू टू बिहेव करेगा डेड स्टेट की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को, किसी पर्सन को दोस्तों हम डेड कब बोलते हैं, जब आप बोल सकते हैं उसका जो रिवाइव होने का, उसका जो बचने का चांस है वो 0% हो गया, आप कुछ उम्मीद नहीं है, तो बोल सकते हैं नाउ द पर्सन इज डेड। कुछ इसी तरह का देखिए आइडिया यहाँ पर है। जैसे क्यू नॉट पे आया बी, मैं उसको लेके गया एक नई स्टेट पे, इसको बोलता हूँ क्यू नॉट। और देखिए इसको डेड स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं लगा लेता हूँ सेल्फ ए पर और बी पर। मतलब जैसे बोलते हैं यहां पर आने का रास्ता तो है बट यहां से वापस जाने का रास्ता नहीं है। अगर थियोरेटिकली बोलूं तो दोस्तों उस स्टेट को डेड स्टेट बोलते हैं जिस स्टेट से दोबारा फाइनल स्टेट पर जाने का रास्ता ना हो। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्यू टू पे अगर एक बार आप आ गए तो उसके बाद चाहे ए आई चाहे बी आई मैं आपको यहीं ट्रैप करके रखूंगा, आपको क्यू वन पे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अब देखिए
अगर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा था, वो ये काम तो पहले भी करता था, बट अगर बी से स्टार्ट होता है तो देखिए हम लेके जा रहे हैं डेड स्टेट पे। और इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए बी ए बी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं ट्रांजिशन दूंगा क्यू नॉट पे आएगा बी, हम पहुंचेंगे क्यू टू पे, फिर ए के लिए सेल्फ लूप, बी के लिए सेल्फ लूप, और देखिए एंड करेंगे दोस्तों क्यू टू पे, और फिर बोलेंगे एक्सेप्ट नहीं है रिजेक्ट है, है ना। तो आइडिया है कि स्ट्रिंग कुछ भी हो, सबसे पहले आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। अगर फाइनल पे टर्मिनेट किया तो मैं एक्सेप्ट मानूंगा, किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पे अगर हॉल्ट किया, एंड किया, तो मान लेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अब क्या ये डीएफए हमारा कंप्लीट है? जी हाँ, छोटा सा मशीन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एक एक अप्रोच पे डिस्कशन करना जरूरी है। जैसे जैसे धीरे धीरे डिजाइनिंग आगे हम करते जाएंगे, आपके आइडियाज और डेवलप होते जाएंगे। तो एक इनिशियल स्टेट, सबसे छोटे स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग पे बनाएं, फिर बाकी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो सकता है उसको एक्सेप्ट करें, और उसके बाद देखें कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रिंग हैं जो कभी एक्सेप्ट नहीं होंगे, उस केस में डेड स्टेट आप बना सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने बनाया डेड स्टेट, और देखिए क्या ये सिस्टम कंप्लीट है। दोबारा याद करिएगा, डीएफए के दो मायने हैं, हम उसको डीएफए कब बोलते हैं। पहला, किसी स्टेट पर किसी सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस नहीं होने चाहिए। या आप देखेंगे Q0 पे A के लिए एक ट्रांजिशन, Q1 पे एक, Q2 पर एक, हर किसी के लिए एक एक ट्रांजिशन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता। और दूसरी बात DFA बोलता है कि वो कंप्लीट भी होना चाहिए। इस बात का दोस्तों मतलब क्या है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई स्टेट किसी सिंबल के लिए रेस्पॉन्ड ही ना करे। तो रेस्पॉन्ड करना जरूरी, आप देखिए हर स्टेट हर सिंबल पर रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं Q2 पर बिहेवियर लिखूं ही नहीं, ये मैं आपको बताऊं नहीं कि क्यू नॉट पे बी पर क्या होने वाला है, है ना। तो ये आइडिया दोस्तों डीएफए डिजाइनिंग का आपको समझ आया होगा। तो मुझे दीजिए थोड़ा सा समय और इस चीज को आप करिए प्रोसेस, और इसी तरीके से मैं अगली वीडियो में बात करते हैं बचे हुए दो प्रॉब्लम्स की, जहां पर ऑफ कोर्स पैटर्न तो हम सेम रखेंगे, स्टार्टिंग विद समथिंग या स्टार्टिंग विद अ डब्ल्यू, और डब्ल्यू एक बार ट्राई करेंगे अगर बी ए होगा तो क्या होगा, और एक बार देखते हैं ए बी बी होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ, और कंटिन्यू रखते हैं हम डीएफए डिजाइनिंग को। तब तक धन्यवाद।